एंटीबायोटिकम, विटामिन्स, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने वाली टैबलेट्स, ई ए सी दिए आप। मैं जा रही हूँ मेडिकल स्टोर टैबलेट्स सारी दवाइयाँ लेने, और स्नो बहुत ज़्यादा है, मास्क के बगैर नहीं, और कम से कम दो लोग जा सकते हैं अंदर। ये एक टैबलेट है जो इम्यून सिस्टम का टेस्ट है, ये बच्चों के लिए मल्टी सिरप इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और ये हमारे लिए, और ये ढेर सारी दवाइयाँ। सो हेलो, फिनिश दवाइयों का टोकरा लेके अब जाते हैं गाड़ी की तरफ। बच्चे अकेले गाड़ी में बैठे हुए हैं, और ये था यहाँ का मेडिकल स्टोर। यहाँ के मेडिकल स्टोर वाले इतने अच्छे होते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। हेलो किंदा, पीछे चलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलते हैं जी। नहीं बेटा, घर। चलें जी, अब हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ। और अब आहिस्ता आहिस्ता स्नो ख़त्म हो गई है। देखें, स्नो जब होती है तो बारिश भी शुरू हो जाती है और स्नो जमने ही नहीं देती। अब देखें, एक घंटा पहले तकरीबन, 1 से 1.5 घंटा पहले इतनी स्नो थी सड़कों पे, गाड़ी में इधर उधर, लेकिन अभी 1-1.5 घंटे में ही स्नो ख़त्म हो गई है। और टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, बल्कि टेम्परेचर पहले 0 था और अभी -2 हो गया। तो ये है जर्मनी के मौसम की सूरत हाल, कि कभी कुछ और कभी कुछ। धूप जो है वो गर्मियों में ही दिखने को मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाह, कोरोना टेस्ट भी हो गया क्लियर, और उसने एंटीबायोटिक शुरू करवा दी है, और जो है वो विटामिन डी प्लस सी प्लस ए प्लस इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने की टैबलेट्स बहुत सारी दी हैं। और मेडिकल स्टोर से मैंने बच्चों के लिए भी सीरप और कुछ चीज़ें ले ली हैं, कि ताकि इनके इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग हो। डायबिटीज़ के लिए मुझे बहुत सारी सुजेशन हमेशा मिलती हैं कि ये करें वो करें, और मुझे अपने बच्चों की फिक्र साथ होती है कि ये मेरे साथ होती हैं, ये कहीं इन्हें कुछ ना हो जाए। तो ये है जी ज़िंदगी। अपनी ज़िंदगी में अपना बहुत सा ख्याल रखें, अल्लाह ताला की ये दी हुई एक नेमत है, और कदर करनी चाहिए और ख्याल रखना चाहिए। अब डायबिटीज़ हो गई है, फिर कोरोना हो गया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला सारे टाइम देता है, और उससे टाइम रुकते नहीं है, टाइम गुजर ही जाते हैं। टाइम आया और गुजर गया अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत अच्छा गुजरा। अल्लाह ताला ने कोई ना कोई मेरा गुनाह ही माफ़ किया होगा इस टाइम में। और खुदा ना हास्ता अगर किसी को कोरोना होता है तो वो बहुत सारा कावा पिया करे, और दालचीनी और लौंग का स्टीम लिया करें, और जो है यखनी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। और ये हमारे घर जाने वाली सड़क बंद है, तो हम चलते हैं आगे से। मैं पूरे महीने बाद आज घर से निकली हूँ, और काफ़ी चीज़ें चेंज हुई पड़ी हैं यहाँ पे। हाँ जी, तो मैं बात कर रही थी कोरोना पे। तो इसी तरह उसके 15 दिन बाद मुझे, जैसे ये कोरोना टाइम में 14 दिन में कोई सिम्टम्स नहीं था, माशाल्लाह मैं बिल्कुल ठीक थी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी दुआओं से। शायद मेरी कोई नेकी काम आई थी, मुझे कुछ भी नहीं था, मुझे कुछ भी नहीं था, मैं बिल्कुल नॉर्मल थी। लेकिन ये 17वें से 18वें दिन पे मुझे बॉडी में बहुत पेन शुरू हो गई, और मेरा जिस्म कांपता था, और मुझे टांगों में बहुत शदीद दर्द थी। तो 1 वीक मैंने घर में इंतज़ार किया, मैंने इबोप्रोफीन ले ली, कभी मैं कुछ सीरप ले लेती थी, विटामिन्स लेती थी कि शायद मैं सेट हो जाऊंगी, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मैं फिर इजाज़ पाकिस्तान गए हैं, तो फिर घर के सारे काम करना, बच्चों को देखना अल्हम्दुलिल्लाह सॉरी, तो वो सब कुछ करना था, तो मैंने तो इस तरह बेड पे नहीं लेट रह सकी थी, तो मैंने सोचा तो वही
करते करते मैंने कहा कि आज तो डॉक्टर पे जाना ही है मुझे, क्योंकि इस तरह घर में बैठे बैठे यही टैबलेट लेते लेते तो मैं नहीं कर पाऊंगी। शायद बोले हाँ जी, तो मैंने कहा डॉक्टर पे जाना ही होगा, दवाइयाँ लेनी ही। तो फिर मैं डॉक्टर पे गई, फिर मैंने दोबारा से यहाँ पे कोरोना टेस्ट भी करवा लिया अपनी सीशर हाइट के लिए, बच्चों का करवाया था लास्ट वीक तो माशाल्लाह इनका नेगेटिव आया था। तो फिर डॉक्टर ने एंटीबायोटिक शुरू करवाई और ढेर सारी दवाइयाँ दे दी, अब वो स्टार्ट करते हैं। और सुनने में यही आया, डॉक्टर भी यही कह रहा था कि कम अज़ कम एक महीना या डेढ़ महीना लगता है बॉडी को दोबारा उसी पोजीशन में आने के लिए, नॉर्मल रूटीन में आने के लिए। तो अपनी बॉडी को रिलैक्स दें और ढेरों विटामिन्स और अच्छी डाइट लें ताकि आप दोबारा से सेट हो पाएं। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। तो मैंने सोचा कि अपना ओपिनियन, अपनी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूं कि क्या क्या मेरे साथ हो रहा था और क्या क्या हो रहा है कोरोना के बाद। और डायबिटीज़ पे कोई असर नहीं पड़ता, सबसे बड़ी बात डायबिटीज़ पे कोई असर नहीं पड़ता, शुगर बिल्कुल नॉर्मल रहती है। और जब मैंने पाकिस्तान में ऑरेंज जूस पीना शुरू किए थे, ये मेरी गलती थी, तो फिर एक दफ़ा मेरी शुगर 300 350 चली गई थी, तो डॉक्टर्स ने मुझे कहा कि, फिर मैंने जर्मनी फ़ोन किया और उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, आप जो है वो ऑरेंज जूस नहीं लें, आपने विटामिन के लिए कुछ पीना है तो आप जो है वो लीमू पिए। तो फिर मैंने लेमन पीना शुरू कर दिया। सो ये थी मेरी कहानी। इंशाल्लाह मैं और बहुत सारी बातें और बहुत सारी टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी अब मैं पहुंच आई हूं घर। ये जी टिप्स मेरी, और उम्मीद करती हूं कि शायद आपको इससे कोई फ़ायदा हो या किसी को कोई फ़ायदा हो, किसी फैमिली मेंबर में किसी को इससे फ़ायदा हो। तो मैं पहुँच आई हूँ घर, और अब ये देखें यहाँ पे ये सारी चीज़ें, स्नो और सब ख़त्म हो चुका है और मालिन सफ़ा की मस्तियाँ भी शुरू हो चुकी हैं। चलें जी अब चलते हैं घर की तरफ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक, एक नई चीज़ और एक नई जगह के साथ। बच्चे आप करने लगे हैं अपने गार्डन में स्नो के साथ एंजॉय, खेलने लगे हैं, खुल गया दरवाज़ा। और मैं चलती हूँ काम काज की तरफ, और ये देखें ये बच्चे खेल रहे हैं। और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।